तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य समेत 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 की जान चली गई। इस हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच पाए, जिनका इलाज चल रहा है। सीडीएस विपिन रावत की पत्नी का घर शहडोल के सुहागपुर में है, जहां पर उनका परिवार घटना की जानकारी के बाद स्तब्ध है। सीडीएस विपिन रावत की पत्नी मधुलिका अंतिम बार 2012 में एक शादी समारोह में शामिल होने सुहागपुर गढ़ी आई थी। उनकी दो बेटियों का नाम कृतिका और तरिणी है। वहीं घटना के संबंध में उनके चचेरे भाई विश्ववर्धन सिंह से बात हुई। अभी स्थिति तो कुछ भी मालूम नहीं है, जो भी टीवी में आ रहा है कि बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और शेड्यूल से नाता ये था कि वो सुहागपुर, मतलब हमारे मेरे जीजा जी लगते थे रिश्ते में, और यही उनका नाता था शेड्यूल सुहागपुर से। वो बहुत सालों से भी आए नहीं थे, कैसे बिजी बहुत थे और बहुत ज़्यादा उनका जो वर्क था, बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सालों से आए नहीं थे, पर आते जाते थे। और चर्चा लगकर फोन में होती रही, हाँ, व्हाट्सएप पे और इस सब पे। मैं अपनी बहन के साथ तो मेरा होता रहता था बातचीत, हर त्यौहार पे हम लोग एक दूसरे को विश करते थे। अभी कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या हुआ है। अभी तो जो टीवी में है वही है कि हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बस टीवी से ही है, जितना जानकारी आप लोगों को वही हम मुझे है। टीवी से यही जानकारी है कि क्रैश हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ थे ऊटी में, और स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देना था उनको, और वो और उनकी वाइफ और कई सारे और लोग भी गए हुए थे, और प्लेन क्रैश हो गया आज सवेरे। बस यही मालूम है और ज्यादा इससे ज्यादा मालूम नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।